बच्चा बच्चा जानता है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए सुबह उठते ही दांतों को ब्रश करना कितना ज़रूरी है। इससे आपके दांत साफ रहते हैं और आपको मिलती है आपकी चमकदार स्माइल, और आपके दांतों को चमकाने में मदद करता है टूथपेस्ट। ऐसी क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो खरीदते वक्त आप अपने टूथपेस्ट पर देखते हैं? दांत साफ करने चाहिए, वाइट हो जाए, सेंसिटिविटी, ब्रश करने के बाद शाइन दे, थोड़ा टेस्ट में भी ठीक होनी चाहिए, टेस्ट ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, एंड इट शुड फाइट विद कैविटी आल्सो। लेकिन क्या आप जानते हैं 1850 से पहले दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट नहीं होते थे, बल्कि पाउडर फॉर्म में टूथपेस्ट क्लीनर यूज किए जाते थे। आज टूथपेस्ट अलग अलग फॉर्म्स और फ्लेवर में अवेलेबल है। क्या आप बता सकते हैं कि एक टूथपेस्ट के मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? कैल्शियम, नमक, माउथ फ्रेशनर एंड पेस्ट, सॉल्ट, कैल्शियम, मिंट, नीम होती है, इलायची होती है। चलिए आपको दिखाते हैं हर्बल रेड टूथपेस्ट कैसे बनता है। रेड टूथपेस्ट अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से फेमस है। इसमें डलता है उन तमाम हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट जो दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च, पिपली सुंथी और तोमर सीड्स का मिक्स दांतों के लिए एक अल्टीमेट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। सबसे पहले इन सभी हर्ब्स को ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है। फिर इन हर्ब्स का पाउडर उबलते हुए पानी में डाला जाता है। कुछ घंटों तक पानी में उबलने के बाद हर्ब्स पानी में अपना रंग छोड़ देती है। अब हर्बल रेड टूथपेस्ट का मेन फॉर्मूला तैयार है और इसको अब पेस्ट की फॉर्म दी जाएगी। एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर मिक्स किए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे दांत सफ़ेद होते हैं और गैरिक पाउडर एक नेचुरल कलरिंग एजेंट है जिससे टूथपेस्ट को उसका लाल रंग मिलेगा। एक सेपरेट टैंक में SLS एजेंट यानी कि सोडियम लॉरल सल्फेट के साथ पानी में मिली हर्ब्स मिलाई जाती है। SLS एक फॉर्मिंग एजेंट है जिसकी मदद से ही हमारे ब्रश करने पर टूथपेस्ट में झाग बनती है। फिर वैक्यूम पाइप के जरिए सभी मिक्सेज को एक बड़े मिक्सिंग कंटेनर में एक साथ मिलाया जाता है। हम एक टूथपेस्ट की ट्यूब महीनों तक यूज करते हैं, फिर भी उसके अंदर भरा हुआ टूथपेस्ट कभी सूखता नहीं। एक्चुअली टूथपेस्ट का मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोर्बिटॉल। सोर्बिटॉल एक किस्म का शुगर एल्कोहल है जिसका टेस्ट मीठा होता है। फाइनली अब पेस्ट में लिक्विड फॉर्म में फ्लेवर ऐड किए जाते हैं जिसमें है लौंग के तेल की फ्रेग्रेंस। टूथपेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब इसको इस बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीन में होता है। खाली ट्यूब्स के इस बॉक्स को मशीन के ऊपर फिट किया जाता है जहां से ये मशीन ऑटोमेटिकली एक एक करकर सभी ट्यूब्स को फिलिंग के लिए लाइनअप करती है। एक बार में दो ट्यूब्स में फिल होती है। और फिर ट्यूब्स को हीटिंग से प्रेस करके सील कर दिया जाता है। सील होने के बाद ये मशीन अब रेडी टूथपेस्ट को बाहर भेज रही है। सभी ट्यूब्स को मैन्युअली एक दूसरे कन्वेयर पर रखा जाता है जहां बड़े ही प्यार से एक एक कर ये सभी ट्यूब्स डब्बों के अंदर चली जाती है। और पैक होकर चल पड़ती है हमारे दांतों की सुरक्षा करने। जिस टूथपेस्ट को हम बचपन से ही फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, आज आपको पता चला हमारे एवरीडे रूटीन में इस्तेमाल होने वाला ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनता है एक इंडियन फैक्ट्री में।